साजिश के दरअसल कितने चेहरे हैं। टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस लगातार उन चेहरों की तलाश में लगी है जो कथित तौर पर टूलकिट तैयार करने में शामिल थे। इस बुलेटिन में एक एक करके उन चेहरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस व्हाट्सएप चैट की चर्चा करेंगे जो 3 फरवरी की रात स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच हुआ था। चैट से खुलासा हुआ है कि ग्रेटा ने जब गलती से टूलकिट से ट्वीट कर दिया तो बुरी तरह से वो खौफजदा हो गई और दिशा भी उस डर में आ गई। यूएपीए का डर उसे सताने लगा। लेकर कहना पड़ा कि टूलकिट को डिलीट कर दो। ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन से जुड़ा टूलकिट 3 फरवरी को अपलोड किया। उसी रात 9:23 पर दिशा ने मैसेज कर ग्रेटा को गलती बताई। 2 मिनट बाद रात 9:25 पर ग्रेटा ने दिशा को मैसेज किया। वास्तव में ये अच्छा होगा कि इसे अब तैयार कर लिया जाए, मुझे इसकी वजह से काफी धमकियां मिलेंगी। वास्तव में ये मामला तूल पकड़ रहा है। जवाब में दिशा गलती का इजहार करते हुए कहती है कि मैं ये मैसेज भेज रही हूँ तुम्हें। 10 मिनट बाद 3 फरवरी को रात 9:35 पर दिशा फिर ग्रेटा को मैसेज करती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूल किट को पूरी तरह से ट्वीट ना करें? क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मैं वकीलों से बात करने वाली हूँ। मुझे खेद है लेकिन उस पर हमारे नाम है और हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस के हवाले से पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि दिशा रवि नहीं, वो टूलकिट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था जिसे ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया था। आज तक के पास दिशा रवि और ग्रेटा का व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है जिसमें टूलकिट के लीक होने के बाद दिशा बेहद घबराई हुई है। दिशा ग्रेटा से कहती हुई दिखाई दे रही है कि अब हम पर यूएपीए का केस लग सकता है, इसलिए ग्रेटा तुम वो ट्वीट डिलीट कर दो। इसके अलावा बातचीत में दिशा बेहद घबराई हुई है, वो लगातार ग्रेटा को समझाती बुझाती नजर आ रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि तुम मत घबराओ, मैं अपने वकील से बात करती हूँ। साफ है कि दिशा रवि बेहद घबराई हुई थी, उसे मुसीबत में फंसने का एहसास हो चुका था। इसका एक मतलब ये भी था कि उसे पता था कि जो टूलकिट उसने ग्रेटा को भेजा था उसमें सब कुछ सामान्य नहीं था। बहरहाल जब दिशा ने ग्रेटा से यूएपीए वाली बात कही तो कुछ देर तक ग्रेटा की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, इससे दिशा और घबरा गई। 4 मिनट बाद यानी कि रात को 9:40 पर दिशा एक बार फिर से व्हाट्सएप करती है और ग्रेटा से पूछती है क्या वो ठीक है। इसका जवाब देते हुए ग्रेटा ने लिखा, मुझे कुछ लिखने की जरूरत है। इस पर दिशा ने रिप्लाई किया, क्या आप 5 मिनट दे सकती हैं? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। ग्रेटा का तुरंत जवाब आता है, नफरतों का ऐसा तूफान कभी कभी आता है और ये वास्तव में काफी प्रबल होता है। फिर दिशा का जवाब, वास्तव में मुझे बहुत खेद है, हम सब घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ पूरा मामला खराब होता जा रहा है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका नाम बेदाग रहे। आगे दिशा कहती है, हमें सब कुछ डीएक्टिवेट करना होगा। टूलकिट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था
और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। दिल्ली पुलिस दिशा के मोबाइल के साथ सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाल रही है। डिलीट की गई सारी सामग्रियों को निकाला जा रहा है। जाहिर है कि जांच बढ़ने के साथ साथ कई सनसनीखेज बातें और सामने आएंगी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात साजिश के चेहरों की। टूलकिट मामले में आज एक और चेहरे की एंट्री हुई है। चेहरा है कनाडा में रहने वाली अनीता लाल का। अनीता 11 जनवरी की उस जूम मीटिंग में शामिल थी जिसमें टूलकिट का मसौदा तैयार किया गया था और उस पर चर्चा की गई थी। अनीता पांचवा नाम है जिसका खुलासा टूलकिट केस में हुआ है। दिशा रवि, निकिता जेकब, शांतनु मुलुक, मोद धालीवाल, टूल किट वाली साजिश के इन चार किरदारों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन इस साजिश में पांचवें किरदार की एंट्री हुई है। उस किरदार का नाम है अनीता लाल। दिल्ली पुलिस ने कल खुलासा किया था कि टूल किट बनाने के लिए 11 जनवरी को खालिस्तानी संगठन PJF की जूम मीटिंग हुई थी। करीब 70 लोग शामिल हुए थे। ज्यादातर लोग मीटिंग में अपनी पहचान छिपाकर शामिल हुए थे। इन तकरीबन 70 लोगों में पुलिस ने 5 लोगों की पहचान की है। उन्हीं में पांचवा किरदार है अनीता लाल का। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। इस जूम मीटिंग के मुताबिक निकिता, शांतनु और दिशा ने मिलकर टूल किट का ड्राफ्ट तैयार किया था। अनीता लाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो कनाडा में रहती है। वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक मो धालीवाल की करीबी है। अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की सह संस्थापक भी है। पुलिस के मुताबिक टूल किट तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल थी। जांच कर रही दिल्ली पुलिस इस मामले में हर रोज नए खुलासे कर रही है। हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब नया किरदार सामने आया है अनीता लाल का। अनीता लाल कनेडियन मूल की महिला है। एमओ धालीवाल खालिस्तानी समर्थक की बेहद करीबी मानी जाती है। साथ ही साथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर मेंबर भी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें अनीता लाल भी शामिल है। साथ ही साथ टूल किट को जो क्रिएट किया गया था उसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड अनीता लाल भी हैं। टूल किट के 5 किरदारों में धालीवाल और अनीता लाल देश के बाहर रहते हैं, लेकिन बाकी 3 देश में, जिनमें दिशा की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि शांतनु और निकिता की जोर शोर से तलाश की जा रही है। टूल किट केस से जुड़े ट्वीट खंगालने पर दिल्ली पुलिस को और भी चौंकाने वाले नाम मिले हैं। एक नाम है पीटर फ्रेडरिक का। बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज पीटर फ्रेडरिक। सो अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-06 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब है, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे, उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-07 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायरआर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा। जांच में सामने आया है कि पीटर फ्रेडरिक को टैग कर कई ट्वीट किए गए हैं। पीटर 2006 से खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी के संपर्क में है। पीटर फ्रेडरिक खुद को मलेशिया का बताता है और अमेरिका से ऑपरेट करता है। आतंकवादी फंडिंग में भिंडर का नाम आता है। इकबाल सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की ओर से संचालित K2 डेस्क का मुख्य चेहरा है। ऐसे में इकबाल का नाम टूल किट के रिसोर्स में क्यों डाला गया, इसकी जांच चल रही है। फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया, क्या ये मोह धालीवाल के कहने पर डाला गया या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है एंड थ्रू इनके BS भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। साफ है टूल किट का जाल फैलता जा रहा है।
दिल्ली से मुनीश चंद्र पांडे, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उन दो किरदारों की करेंगे जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये हैं निकिता जेकब और शांतनु मुलुक। वैसे दोनों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली। कहां है टूलकिट केस की आरोपी निकिता जेकब? कहां छिपा है टूलकिट केस में वांटेड शांतनु मलुक? टूलकिट की एडिटर दिशा रवि के और कितने राज? टूलकिट में दिशा रवि से पूछताछ में जैसे जैसे साजिश के राज खुलते जा रहे हैं, दिशा के दो सहयोगी निकिता जेकब और शांतनु मलुक पर शिकंजा कसता जा रहा है। शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र के भीड़ जाकर उसके घर पर छापा मारा, लेकिन शांतनु का पता नहीं चला। पुलिस उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। शांतनु भीड़ के चाणक्यपुरी इलाके में रहता है। टूल किट तैयार करने में निकिता की तरह उसने भी दिशा की मदद की थी। शांतनु पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। उसने अमेरिका से MSc की पढ़ाई की थी। पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले काफी समय से वो सक्रिय रहा है। टूलकिट मामला सामने आने के बाद बीड में शांतनु के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शांतनु की घेराबंदी निकिता के घर से बरामद सबूतों के आधार पर हो रही है। शांतनु की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें बीड के अलावा बेंगलुरु में भी सर्च कर रही हैं। उधर टूलकिट में दूसरी वांटेड आरोपी बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील निकिता जेकब का भी 11 फरवरी के बाद से दिल्ली पुलिस को कोई सुराग नहीं है। आज तक के पास वो दस्तावेज हैं जो निकिता पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने निकिता के मुंबई घर पर रेड की थी, लेकिन शाम होने की वजह से छापेमारी रोकनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक निकिता से साफ साफ कहा गया था कि छापा दूसरे दिन भी जारी रहेगा और पुलिस की टीम 12 फरवरी को सुबह 10:30 बजे आएगी। दिल्ली पुलिस ने निकिता से ये भी कहा था कि उस दौरान वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी और घर में मौजूद किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। ये सारी बातें दिल्ली पुलिस ने लिखित में की थी और आपकी स्क्रीन पर यही वो दस्तावेज है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। लेकिन दूसरे दिन जब तय वक्त पर दिल्ली पुलिस निकिता के घर पहुंची तो निकिता गायब थी। यही नहीं, उसने 12 फरवरी को ही मुंबई हाई कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगा दी। निकिता ने कहा कि उसकी जांच पूरी हो चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच जारी रहने पर सहमति बनी थी। अब सुनिए निकिता के वकील का क्या कुछ कहना है। हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि 4 हफ्ते का निकिता को प्रोटेक्शन दिया जाए कोर्ट से, क्योंकि देखिए प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट में सिंस वो रहती है, यहाँ की रेसिडेंट है, तो इसलिए हमने माननीय अदालत को हमने अप्रोच किया है ताकि जब तक वो उधर जाए प्रॉपर मेरिट्स पे मैटर आर्ग्यू करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। इफ शीज अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है वो अपना केस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट शायद ना कर पाए। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में निकिता जेकब और औरंगाबाद कोर्ट में शांतनु मलुक की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से विद्या और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।